अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ी मेरी अम्मी के स्टाइल में। और ये पहले पकौड़ों के लिए बेसन है, ये 4 टेबल स्पून बेसन है भर के, और इसमें प्याज काटी है, पुदीना है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, ये पकौड़ों के लिए हैं। और ये कढ़ी के लिए हैं, कढ़ी में ये कच्ची प्याज है, 3 दरमियाने साइज़ की कच्ची प्याज है, 4 टेबल स्पून भर के बेसन है। आप ये लहसुन के जवे, ये लहसुन है, लहसुन के जवे इसमें डाल दें। और क्या हो रहा है आप लोगों के यहाँ, सब ठीक ठाक हैं, खैरियत है, हम भी अल्लाह का शुक्र है सब ठीक हैं। तो ये लहसुन डालने के बाद इसके अंदर, इसी में मैं ग्राइंड कर लूँगी सब कुछ, ये 1 टेबल स्पून है ये पिसी हुई मिर्चें भर के, और ये हल्दी है 1 टेबल स्पून बस। लोगों के यहाँ कढ़ी खाई जाती है तो वो किस तरह से बनती है, हमारे यहाँ ये स्टाइल है, ये मेरी अम्मी का है, बहुत ही मज़ेदार सी ये कढ़ी बनती है, ज़बरदस्त। हम लोग तो 2 दिन रख के भी खा लेते हैं, और बासी कढ़ी में तो बहुत मज़ा है। तो ये है दही का पानी, अब मैं इसको ग्राइंड करती हूँ। ये पानी है, पानी इसमें ऐड करेंगे। आधा किलो दही, आधा किलो दही है ये, इसको भी ग्राइंड करना है। बनती है कढ़ी हमारे यहाँ जब भी बनती है तो हम लोग सुबह ही इसको चढ़ा देते हैं, पर आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी काम में, और इसमें और पानी ऐड करना है, और इसको पकने रख देना है, 2-3 घंटे तो पकना चाहिए इसको। ये जितनी देर पकना है, पकती है, उतनी देर इसके अंदर बेसन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। जल्दी जल्दी पकाने से ना अजीब सी एक धसक सी रहती है, तो मैं काफ़ी देर पकाती हूँ इसको, 2 घंटे तो पकना चाहिए हल्की आँच में। तो ये जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 टेबल स्पून है ये भर के बेसन, और हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, और इसमें इसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, प्याज है, और अब ये इसमें 1/2 टेबल स्पून ये मिर्चें हैं, नमक है, गरम मसाला, और ये बिल्कुल थोड़ा सा सोडा, खाने का सोडा बस। इसका बैटर बनाना है फुलकियों के लिए, और कढ़ी में अभी नमक नहीं डाला है, क्योंकि कढ़ी में नमक आखिर में डालते हैं, पहले नहीं डालते, कढ़ी में नमक ना आखिर में डालना चाहिए। तो बस अब मैं इसका बैटर बनाती हूँ, और वक्तन फवक्तन इसको चमचे को चलाना है, कढ़ी जो बन रही है उसकी। अब ये कढ़ी है, इस जो उसमें नमक नहीं डाला था ना, तो अब इसमें नमक डाल देती हूँ, काफ़ी देर से पक रही है ये। अब ये पकौड़े हैं, थोड़े से पकौड़े बना लेती हूँ इसके लिए, कढ़ी के लिए। आज हमारे साथ बहुत गड़बड़ हो गई हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बस बचत ही हो गई है समझें, हमारे नीचे से ना चूल्हे का पाइप जो है वो कट गया था, और ऊपर से ये भी नहीं घर में, वरना ये बेचारे तो सब कुछ कर लेते हैं हमारे काम। हम मैं और जवेरी इतना परेशान हुए, हमने इतनी कोशिश की पर हमसे तो हुआ नहीं, फिर अल्लाह का शुक्र सब सही हो गया, तो अब हम दोबारा से काम स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दिया था हम लोगों ने। कढ़ी तैयार है, मैं इसमें ये जो फुलकियाँ बनाई थी इनको पानी में भिगो दिया था,
तो अब इनको उसमें शामिल करके तो उसमें भगार करना है बस। थोड़ी सी गर्म मुझे तो अब इसमें ये फुलकियाँ भी डल गई हैं और ये थोड़ा सा पकेंगी हल्का सा बिल्कुल फुलकी के साथ। अब प्याज ब्राउन करने रखी है भगार के लिए। भगार के लिए जो चीज़ें चाहिए कड़ी में भगार जब करते हैं तो उसमें ये साबित मिर्चें, साबित लाल मिर्च है, हरी मिर्च है, ज़ीरा है, मेथी दाना है, कड़ी पत्ता है, इसका भगार होगा। प्याज ब्राउन करने रखी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको फैमिली फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए और वीडियो को पूरा देखिए। मैं बार बार कहती हूँ क्योंकि वीडियो को पूरा देखने में ही फ़ायदा है, हाफ वीडियो से नहीं कुछ चलेगा काम। तो आजकल हमें हमारे थोड़ी सी ज़रूरत है जल्दी जल्दी से हमारे ये आगे बढ़े चैनल, तो हमें पता चले कि जो इतनी मेहनत हो रही है उसमें क्या हमें कोई फ़ायदा है कि नहीं। और करना तो बहुत कुछ पड़ता है, सारी सेटिंग, ये कुछ अच्छा हो जाता है, कुछ बुरा हो जाता है, पर ये आप ही लोगों के कमेंट्स बताएंगे कि आप लोगों को कैसा लगा। तो मुझे ज़रूर बताइएगा, सब तरफ सब जगह डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से कढ़ी बनती है और ये इस तरह बनाना कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। ये प्याज ब्राउन होते होते इसमें ये लाल मिर्चें डाल देनी है पहले, क्योंकि ये थोड़े से टाइम लेंगी। मेथी दाना भी हाथ के हाथ इसमें डाल देंगे। ज़ीरा एंड में डालना है। कड़ी पत्ते डालने के बाद जो है देखें बहुत ही खूबसूरत सी स्मेल आ रही है, बहुत ही खूबसूरत जो खुशबू होती है मेथी दाना और कड़ी पत्ते की जब ये पक जाते हैं तो, और हरी मिर्चों की भी। तो ये बहुत ज़बरदस्त सी कड़ी तैयार है, बिल्कुल आप लोगों को अच्छी लगेगी, आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार रेसिपी है ये। तो इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।